क्यों लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे जुलाब नहीं हुआ है, मुझे बचपन से ही 3-4 बार झाड़ियों में जाने की आदत है। अगर तुम्हें शक है तो कल से तुम ही मेरे साथ चलो झाड़ियों में। नहीं, मेरे ऐसे शौक नहीं है, लेकिन तू जब भी पॉटी करेगा ये पॉटी मिलाऊंगा और तेरी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ। अगर हल्के होने गए तो पंगा हो जाएगा, अगर नहीं गए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो अब हम क्या करें सर? हमें इस सबूत को मिटाना होगा। पर कैसे? बकरे की पॉटी को इससे छीन कर नदी में फेंकना होगा। ये तो चोरी हुई। हम कोई खजाना थोड़ी चुरा रहे हैं टकले, हम तो बस इस पॉटी को चुराएंगे। यस सर, सर। जाने के बाद भी मुझे पॉटी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी चड्डी में से सर। माय चेन। दादी माँ, क्या हुआ बेटी? मेरी चेन नहीं मिल रही, कहाँ रखी थी? अरे बेटी, चांदी की चेन के लिए क्यों इतना परेशान हो रही? दादाजी, वो चांदी की नहीं, प्लैटिनम की चेन थी। अच्छा? और उस पर एक सॉलिटेयर डायमंड भी लगा था, 4 लाख का था। 4 लाख? इतनी महंगी चेन तुम गले में पहनकर घूमती थी? अरे नौकरों से कहो घर में कहीं चेन गिरी है, ढूंढो उसे और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाओ सिंगम के पास, समझे क्या? चलो हम पहुंच गए। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ लड़कियां कौन हैं? ये आत्माराम स्वरूप जी की पोती है। अच्छा? इन्हें सिंगम से कुछ काम है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये रोशन स्वरूप की बेटियां हैं। कोई शक है? सिंगम, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तो शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मुझे चमाट मारने आई हो? ये क्या कह रहे हो? मैं तो कम्प्लेन लिखाने आई हूँ। सुनो माँ, वो लड़की कितनी सुंदर है ना, सिंघम की उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी? पता नहीं, आखिरी बार कब देखी थी? रात को खाने के वक्त देखी थी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती? कहने में थोड़ा चीप लगता है, कहूँ क्या? चीप लगता है? खाने से पहले हम सब लोग अपना चेहरा अपने प्लेट्स में देखते हैं, तभी मैंने अपनी चेन देखी थी। तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिस हो ना, तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, रात को सोने से पहले तुमने क्या पहना था? नाइटी। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसे? ये कैसा बेहूदा सवाल है? मैं तुम्हारी नाइटी की बात नहीं कर रहा, टी शर्ट जैसे खुलती है। ओ, मतलब वो चेन तुम्हारे नाइटी के हुक में अटक गई होगी, वॉशिंग मशीन में धोने से पहले चेक कर लेना, नाइटी में ही मिलेगी। वो तुम्हें एक के बाद एक गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। कौन सी नाइटी पहनती हो, कैसे निकालती हो? कहता है चेन हुक में फंसी होगी, ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए थे, वो तो बस अपना काम कर रहा था। हा? दीदी, नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी। मिल गई। फोन में? फोन नहीं, पीछे मुझे एक और रिपोर्ट लिखानी है। अब क्या हो गया तुम्हें? किसी ने मेरे बकरे की पॉटी चुरा ली, रात को सोते वक्त जेब में ही थी। यही होगा वो कभी नहीं सर। टकले, मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? पहले इसका बकरा गया और फिर बकरे की पॉटी। एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से इसे 1500 रुपए दे दो, इसे जाने दो। 1500 में क्या होगा सर? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपने बकरे की शादी करा के 4 बच्चों की बुकिंग करके रखा था, उसका हर्जाना कौन देगा बताओ मुझे? तेरा बकरा कहाँ कहाँ गुल खिलाएगा ये मुझे मत गिनवा, चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। क्यों मेरा नुकसान कर रहे हो? 40 बनते और 40 से 400 बनते, 10 लाख का माल है, 5 में मांडवली कर दो। पासबुक और अकाउंट नंबर दूं? ब्लैकमेल, पुलिस वाले को ब्लैकमेल। काय का ब्लैकमेल? तुम्हारे खिलाफ सबूत तो झाड़ी में मिल ही जाएगा। सर ये तो बहुत चालू आदमी है, इसे पीछा कैसे छोड़ा है? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो केरला पुलिस स्टेशन, मैंने कुछ दिन पहले एक मिसिंग बकरे की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसका क्या हुआ? वाह वाह, केस सॉल्व हो गया, तुम्हारा बकरा कसाईवाड़े पर कटने ही वाला था, वो लोग बस लेकर आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे बकरे को। गो। कैसे चुना लगाया? एकदम पान वाले की तरह सर, आप तो एकदम माहिर हैं। लोग ऐसे मुझे शानदार मजूमदार नहीं कहते। ओ गधा प्रसाद, ये रहा तुम्हारा बकरा जिसे हम ले आए हैं, ले जाओ इसे, मुंह दिखाई बाद में। पहले इस पेपर पर अंगूठा लगाओ, या, या। इसमें लिखा है तुम पुलिस स्टेशन आए थे, कंप्लेन लिखवाई, तुम्हें अपना बकरा मिल गया। अरे पर इसका मुंह क्यों ढका है? क्योंकि इसे स्वाइन फ्लू हो गया है, अगर तुमने ज्यादा बोला तो ये जाबाज ऑफिसर तुम्हारी दिल्ली हाईकोर्ट में कंप्लेन कर देगा। फिर क्या होगा? तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें डंडे मारेगा। पाटिल, अंगूठा ले उसका। ओके सर, काम ओवर, हैंड ओवर, इसका बकरा इसे दे दो, हमें बहुत से काम है, सबसे पहले तो ठंडा पीना है, चलो चलो जल्दी आओ। पूजा की थाली लेकर आओ, दूल्हा घर आ गया है। अरे ये क्या, ये तो बकरा नहीं है। क्या बकरा ये? हां काव्या, कैसे आना हुआ? मैं कंप्लेन लिखाने आई थी, मेरा सेलफोन चोरी हो गया। सेलफोन चोरी हो गया? चोरी नहीं, पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा। कहाँ रखा था तुमने? रात को मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है, पर चीजें घुमाने की आदत। जानबूझ के थोड़ी कर रही। तुम रात को किसके साथ सोती हो? इसके साथ। आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? आई हैव माई लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन।
तुम अपना फोन अक्सर कहाँ रखती हो? साइड टेबल पे रखती हूँ। तुम्हारा बेड खिड़की से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे रूम की खिड़की खुली थी? एसी रूम है, खिड़की तो बंद ही होगी ना। इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे साथ रहती है उसने फोन नहीं लिया, कमरे की खिड़की बंद थी, मम्मी को गुड नाइट बोला और फिर फोन चोरी हुआ। इसका मतलब फोन तुम्हारे ही पास है। ये क्या कह रहे हो? वो फोन जरूर कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर ही होगा, बस साइलेंट मोड पर होगा इसलिए बज नहीं रहा। तुम्हारा फोन नंबर दे दो ना, मिलते ही फोन कर दूंगी। 100 डायल करो, फोन पुलिस स्टेशन में लग जाएगा। मिस शेरनी, क्या आपको सिंघम का नंबर चाहिए? हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यों कर रही है? नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। 100 ये नंबर तो सिंघम ने भी दिया था। उनके 100 का मतलब फोन, मेरे 100 का मतलब बापू। 100 रुपए ज्यादा है, ये लो 50। 9842250 में 5 नंबर। 5851 5 8515 मेरा नंबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मिस कॉल देना, फोन मैं करूंगा। पुलिस वाले मैं नहाकर बाहर निकले तो मेरे झुमके गायब हो गए। तुम्हारे झुमके गायब हो गए? हाँ। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसी? नहाने से पहले क्या तुम अपने कपड़े ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो? घर जाके अपनी माँ बहन से पूछ। सिंघम सर ने जब यही सवाल किया तो सामने वाले ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला। कोई खुद का सेलफोन छुपा के कंप्लेन करता है वो पुलिस वाला है, पागल नहीं। प्रिया पागल वो नहीं, पागल तो मैं हो गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फोन कन्ना लीवर को दिया था छुपाने के लिए। ऐसा क्यों? जिस दिन सिंघम ने मुझे शेरनी के कपड़ों में पकड़ा था उस दिन सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा तो था, फिर पैर भी पकड़ा था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। हा? ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। दीदी और कोई नहीं मिला तुम्हें? नमस्ते सर। आप? मैं तो इधर से गुजर रहा था, आपकी बिल्डिंग देखी, सोचा बनाने वाले को भी देख लूं। मुझे खुशी है कि आप हमें मिलने आए। ताऊ जी कौन से गांव से हो? यही का हूँ। अच्छा। पर कई सालों से मैं यूएस में रहता हूँ, पर बच्चे चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर भी एक घर हो। परिवार बड़ा होने की वजह से मैंने ये ग्राउंड ले ही लिया। यहाँ तो 2 ग्राउंड से एक ग्राउंड की कीमत 1 करोड़ तो होगी। आर यू जोकिंग? यहाँ 1 ग्राउंड की कीमत 12.5 करोड़ है और दोनों को मिला के 25 करोड़। कई भैंस पानी में। आपने कोई परेशान करे तो मन्ने फोन करो। कौन करेगा? आजकल ताऊ जी पैसे के लिए लोग जान भी ले लेते हैं। भला मुझसे पैसे लेने कौन आएगा? आएगा के? आ गया है ताऊ, मैं थारे से पैसे लेने ही आया हूँ। ये अचानक तो मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? सुनता हूँ, कल 5 करोड़ हमारे पास भिजवा देना, फिर तन्ने कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को फोन घुमाऊंगा। ताऊ थारी ये जमीन 25 करोड़ की है, इस मशीन में रिकॉर्ड कर लिया हमने। स्टैम्प पेपर में लिखा है ताऊ कि तूने इस जमीन का 10 करोड़ दिए हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया तो बताया क्या होगा? हर न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि अमेरिका से आए बुड्ढे ने 15 करोड़ का घोटाला किया है। तो ताऊ तन्ने 20% फाइन और जेल ऊपर से। अगर तू फाइन भरने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है तो दिन दहाड़े थारे इस प्लॉट में 2 लाशें गाड़ दूंगा और एक लड़की लेकर आऊंगा जो खुद अपने कपड़े फाड़ कर बोलेगी कि दिन दहाड़े इस बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है। अब बोल। ए, ज्यादा मंडरा, पैसा देने से पहले ही मर जाएगा। चल। बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है, अब बोल। माय गॉड, बेटा मैं यहाँ 25 साल पहले तुम्हारी दादी के साथ फिल्म देखने आया। हाउ रोमांटिक। अब आ रहा हूँ। आप दादी को बोल के ऐसा केटर अपने गांव में क्यों नहीं बनवाते? हाँ मैं उससे बात करूंगा। अच्छा तुम लोग वहाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आता हूँ। हाँ, एक कॉइन देना, मुझे वेट चेक करना है। दीदी क्या कर रही हो? चप्पल तो उतारो तभी तो सही वेट आएगा। You're right. कपड़े भी उतार दो अपने, फिर और भी अच्छा वेट आएगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पोती को ये बोलने की? तुझे अभी मैं बताता हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कौन हूँ जानता है क्या तू? तुझसे तो मंदिर का घंटा तक नहीं बजेगा तो मुझे क्या मारेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसी है? बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझमें और उस बुड्ढे में, दोनों की गर्मी अभी निकाल दूंगा मैं। वैसे भी जितने मजे तुझे मैं करवा सकता हूँ ये बुड्ढा कहाँ करवाएगा? दिमाग तो नहीं खराब हो? अरे ये मेरी पोती है। अबे तेरी पोती हो या बेटी मुझे क्या? चुप रहे, अगर मेरे गांव वाले यहाँ होते तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। जाके गाँव वालों को लेकर आ, मैं इधर ही बैठा हूँ।
उसने हमारी बेटी की इज्जत उछाली और ये देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। उसने सांप के बिल में हाथ डाला है। किसे फोन कर रही है? मेरे एक फोन पर ही उसके धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे दादा की तरह मैं चुप नहीं बैठा। दादी, अगर डैडी को पता चला तो वो हमें कभी यहाँ नहीं भेजेंगे। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। मैं बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर ले गया था, वहाँ एक गुंडे ने काव्या के साथ बदतमीजी की। गुड मॉर्निंग, फिल्म खत्म हो गई? नहीं, बस होने ही वाली है। जाओ, गेट बंद करो। गेट बंद करो, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहिए। यही रुकिए। रुक जाइए, पीछे हटिए। तुम में से किसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है। आज उसे बीच बाजार नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी सिंघम नहीं। एक बाप की औलाद है तो सामने आ, झुक कर क्या बैठा है? जल्दी से सिनेमा हॉल आ जाओ। काव्या, तुम बताओ कौन है वो? क्या ये है? ये है? पहचानो उसे, आज उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। अरे हमने क्या किया, हमको तो जाने दो। ए, कौन बोला 5 मिनट रुक नहीं सकता? जहाँ एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुझे घर जाने की पड़ी है, इसकी जगह तेरी बहन होती तो हट। पुलिस की वर्दी में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है, और फिर तेरे पास तो गन भी है। काम मैं तो उतार गया। ये ले, मैंने वर्दी निकाल दी है। शेर शेर होता, चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी। ये लो बहन, तुम्हारा दुपट्टा। देखा पुलिस वाले की बीवी होने का कितना फायदा है।